कहते हैं कि भूख की आग क्या क्या नहीं करवाती। शायद इसी भूख को मिटाने की आस में, अपने परिवार को पालने पोसने की आस में यह मजदूर कामगार जम्मू कश्मीर गए थे, और अब आतंकियों की गोलियों ने इनकी भूख को ख़त्म कर इनके अंदर इतना डर पैदा किया है कि अब यह अपनी जिंदगी जान बचाने के लिए अपनी माटी की तरफ वापस घूम रहे हैं। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक। आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों में आम नागरिकों की ताबड़तोड़ हत्या करके सब में दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। शायद आतंकी चाहते भी यही थे कि लोग हिंदुओं की तरीके से पलायन करना शुरू कर दें। बहरहाल इस बार कश्मीरी हिंदू नहीं, यह कामगार मजदूर पलायन कर रहे हैं। सरकारी सुरक्षा एजेंसियां इस बात का दर्द भी समझती हैं और शायद इसके इलाज की कोई ना कोई तोड़ जल्दी ढूंढ लेंगी। लेकिन अगर सरकार और सरकारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर जल्दी लगाम नहीं लगाई तो यकीन मानिए कि धारा 370 को ख़त्म कर देने जाने वाली आज़ादी का ढोल पीट रही भाजपा और केंद्र सरकार के लिए यह बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। यह कश्मीर के लोगों के लिए भी दहशत का एक नया पन्ना होगा।